मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी 25 साल की नौकरी है और मैडम की 5 साल की नौकरी है। इस 5 साल की नौकरी में मैं 25 साल की नौकरी के बाद ये देख रही हूँ कि इस तरह की सोच और इस तरह का जज्बा मैंने आज तक किसी लेडी ऑफिसर में अपने से पहले कभी देखा ही नहीं था। तहे दिल से स्वागत है। एंड जैसे मैडम ने भी बोला कि इतनी गर्मी में भी आप आए, पोस्टिंग मिली, हमने काम किया, श्रीनगर देखा मैंने, जम्मू देखा, अब रामबन डिस्ट्रिक्ट करने का मौका मिला। सो इट इज अ ब्लेसिंग एंड आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि यहाँ इस पोस्ट में आने के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। मेरिट इज जेंडर न्यूट्रल। अगर कोई किसी में काबिलियत है, कोई वो डिजर्व करता है, वो उसका एक अपना कैलिबर है। वो ज़रूरी नहीं एक औरत है तो उसमें होगा, एक मर्द है तो उसमें होगा, ट्रांसजेंडर है उसमें होगा। बट प्रॉब्लम ये है सोसाइटी में कि हमने स्टीरियोटाइप कर रखे हैं कुछ चीज़ें। आपका अपना नज़रिया ज़्यादा मैटर करता है रैदर देन सोसाइटी में लोगों ने आपके लिए क्या सोच कर रखा। अगर आप उस नज़रिए में कॉन्फिडेंट हैं, आप देखते हैं अपने आप को कि आप इससे अच्छा और कर सकते हैं या आपके बच्चे और अच्छा डिजर्व करते हैं, तो यू शुड फाइट फॉर दिस। यू शुड नॉट गिव अप ट्राइंग एटलीस्ट वंस। आपको लगता है अगर कि आप अच्छे हैं पढ़ने में, आपको लगता है कि आप करियर परस्यू कर सकते हैं बाहर जाके, हेल्प विल कम टू यू। बट पहले आपको अपना मेंटल बैरियर तोड़ना पड़ेगा। हाउ टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। आप में से कुछ शादीशुदा हैं, कुछ यंग हैं, सब एक परिवार से हैं, सबकी कोई ना कोई फैमिली है। जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, काफ़ी चर्चा में रहा है कई दिनों से, कि जिसमें सेफ्टी अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम डिस्कस करते हैं। अक्सर ये होता है कि जो हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जहाँ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वर्क फोर्स में हिस्सा नहीं लेती, छोटी चीज़ों पे टॉर्चर करना, दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ फिजिकल वायलेंस। वो कोई भी ऑर्डिनरी काम है, घर के जो आप काम करते हैं उसकी कदर नहीं होती है। औरत अपना रिस्पेक्ट खुद के इरादे मजबूत होते, हौसले बुलंदी होते हैं। तो बाकी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मैम जी का। हमारे पंचायत अलवास में भी एक बार आएंगी, अगर उधर भी इतनी सारी लेडीज इकट्ठी होंगी, लेडियों का हौसला बुलंद हो जाएगा थोड़ा कि हमारी बात की भी कोई सुनवाई है। अगर कहीं मीटिंग होती है तो मारती बोलते हैं आपका क्या काम है। आप बड़ी बहन है, आपकी छोटी बहन है, अगर आपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट बनाए, जायज बात के लिए जिद करो लेकिन गलत बात के लिए जिद मत करो। और अपने पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो उन पर ट्रस्ट बनाओ, थैंक्स, बस अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो वुमेन्स होती हैं उनको हमेशा पीछे रखा जाता है और उनकी एक बारी मिलती है। और हमने बोला भी शादी इज नॉट अ अल्टरनेट और शादी इज नॉट अ एंड ऑफ लाइफ। लेडीज को सभी को जायज सिखाना चाहती हूँ, सिलाई सेंटर है जरूर सेंटर दिया जाए। माँ होती है अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकती है, तो उससे हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन से ही हम आगे हर फील्ड में जा सकते हैं, एजुकेशन मस्ट है। थैंक यू। तो ऐसा नहीं है, हमारे दिल में बहुत है कि हम, जज्बा बहुत है कि हम बहुत कुछ करें, पर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें जो इनकम सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। कैरियर काउंसलिंग वाले भी हम सेशंस कराएंगे, विच विल बी अ कोविड सेशन विथ मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। तो थैंक यू वेरी मच। चंद्रकोट में आज तकरीबन 4-5 पंचायतों से हमने जो लेडी पंचेस सरपंचेस हैं उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने अपने एरिया की लेडीज़ और यंग गर्ल्स को लेके आए चंद्रकोट में, यहाँ आज कमल एकेडमी में। बेसिक पर्पस था इंट्रैक्शन करने का। कुछ चीज़ें हमें पुलिस की तरफ से इन्हें बतानी थी, इन्हें हमारी बातें समझनी थी। तो आज हमने कुछ 4-5 टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सोशल मीडिया एंड सेक्सुअल हरासमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज, इन सब पे हमने बातें की।
कुछ हमने यहाँ से मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और इनकी तरफ से भी जानने की कोशिश की कि व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस या क्या प्रॉब्लम्स उनको होती हैं अपनी निजी लाइफ में और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस उसको हेल्प कर सकती है। तो आज एक काफ़ी हेल्दी इंट्रैक्शन था, डिस्कशन था और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला है। एंड ऐसे ही सेशंस हम करते रहेंगे फ्रीक्वेंटली। मोस्ट ऑफ द सेशंस जिसमें हम करते हैं पीसीपीजी मीटिंग में, हम देखते हैं कि ज़्यादा मेल मेंबर्स का पार्टिसिपेशन होता है, फीमेल्स का बहुत कम होता है। तो आज का ये जो सेशन था वो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए है कि वुमेन लीडर्स जो पंचायत इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, और जो आम लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, टीचर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, दे शुड ऑल्सो कम एंड इंटरेक्ट विद पुलिस बिकॉज दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो आज की जो मीटिंग थी वो इसी रिलेटेड। वुमेन हेल्प डेस्क हमने अपने 7 थानों में खोला है एंड काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक उसका आया है कि कुछ केसेस जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है, जहाँ वुमेन रिलेटेड क्राइम FIRs लगते हैं, तो वो डेस्क काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। राइट नाउ हमें शॉर्टेजेस है वुमेन NGOs की, इसीलिए ये जो डेस्क है इट इज़ बीइंग हेडेड बाय अ लेडी पुलिस ऑफिशियल ऑफ द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। हम आगे आने वाले टाइम में और भी रिक्रूटमेंट इसमें करेंगे ताकि इसको और रॉबस्ट बनाए और काफ़ी और